गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो हमारे स्किन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि लॉकडाउन काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस कोविड की वजह से हमें नहीं मालूम है कि लॉकडाउन कब खत्म होने वाला है। तो हम में से काफ़ी लेडीज़ की यही प्रॉब्लम है कि हम फेशियल कहाँ से कराएं, क्योंकि पार्लर तो है बंद। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि घर पर ही आप फेशियल कैसे कर सकते हो, बिल्कुल पार्लर स्टाइल में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी मैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो से जुड़े रहिए और पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और जितना हो सके मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप लगा रखा है तो इस वेट वाइप की हेल्प से सबसे पहले उसे क्लीन कर लें। उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमें हमारे फेस को फेस वॉश की हेल्प से क्लीन कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से कम 20 सेकंड तक हमें हमारे फेस को क्लीन करना है। मैंने अपने फेस को फेस वॉश की हेल्प से क्लीन कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है जो कि है क्लेंजिंग। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून टमाटो का प्यूरी और 1 टेबलस्पून रॉ मिल्क, कच्चा दूध। हमें बिल्कुल भी बॉयल दूध नहीं लेना है, कच्चा दूध ही लेना है। आप चाहे तो कोई भी क्लेंजिंग मिल्क की हेल्प से इसे अच्छे से फेस को क्लीन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि आप टोमेटो की प्यूरी से ही करो, क्योंकि सभी को मालूम होगा कि टोमेटो में काफ़ी अच्छी टैन रिमूवल एजेंट होती है। चाहिए अगर आप चाहो तो कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप टोमेटो और मिल्क का ही प्यूरी यूज़ करो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। फिर हैंड में लेके इसको अच्छे से अपने फेस पे लगाएंगे। इतना सा हमें हमारे हैंड पे लेके अच्छे से इसको पूरा फेस पे स्क्रब करना है। आप इसको स्क्रब नहीं बोल सकते क्योंकि ये क्लेंजिंग है, तो स्क्रब हमारे नेक्स्ट स्टेप में आएगा। फिलहाल के लिए आप क्लेंजिंग कर लो। हमें कम से कम 10 मिनटों के लिए इसको यूज़ करना है। इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाना, जब तक ये ऑलमोस्ट पूरा ही आपके फेस में अब्सॉर्ब ना हो जाए, तब तक के लिए आपको इसको मसाज करना है। तो मैंने लगभग 10 मिनट के लिए मसाज किया, अब मैं इसको अच्छे से फेस वॉश कर लूँगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कि है स्टीमिंग। तो हमें ऐसे स्टीमर की हेल्प से अपने फेस को स्टीम करना है। तो मैंने यहाँ पे स्टीम ले लिया है, 5 मिनट, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे स्टीम लेते हुए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारी ब्लैक हेड्स को रिमूव करना। तो हमारे जैसा कि आप सभी को पता है कि पार्लर्स में काफ़ी सारे टूल्स आते हैं, बट हमारे घर पे हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं होंगे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आपको क्या करना है, एक ऐसा बॉबी पिन लेना है, देख सकते हो आप, इसकी हेल्प से आपको अपने ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्क्रबिंग। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स की स्क्रबर। मैं यहाँ पे जेल स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी भी ऑयली स्किन है तो आप ही जेल स्क्रब भी प्रेफर करो। बेसिकली होता ये है कि जेल स्क्रब हमारे स्किन पे काफ़ी मॉइस्चर नहीं छोड़ता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको मसाज करना है।
अभी हमने स्टीम लिया है तो हमारे पोर्स खुल चुके हैं, तो अगर आप इसको मसाज करोगे तो काफ़ी अंदर से भी जो भी डर्ट है हमारी स्किन पे वो सभी निकल जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप होता है मसाज। तो हमें कोई भी एक थिक क्रीम लेना और उसे उसके हेल्प से हमें अच्छे से अपने फेस को मसाज कर लेना है। मैंने यहाँ पे क्रीम ले लिया है। मैंने लगभग 15 मिनटों के लिए अपने फेस पे मसाज किया। आप जितना हो सके कोशिश करें कि 15 मिनट कम से कम आप मसाज करें ही, क्योंकि ताकि सारी क्रीम आपके फेस के अंदर अब्सॉर्ब हो सके। अब नेक्स्ट मैं एक वाइप की हेल्प से अपने जो भी मैंने यूज़ किया है उसको क्लीन कर लूँगी। तो मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक फेस पैक यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अल्प्स गुडनेस की उपटन फेस पैक। मैं कोई भी फेस पैक बाहर की प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक उपटन फेस पैक को ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि उपटन से हमारे फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ जाता है और ये बिल्कुल भी सेफ़ होता है। तो मैंने इस उपटन फेस पैक में गुलाब जल मिक्स कर लिया। अब हमें इसमें इसे अपने फेस पे लगा लेना है। अब मैं इस फेस पैक को कम से कम 15 मिनटों के लिए रख दूंगी, जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद मैंने अपने फेस को धो लिया था अच्छे से बिल्कुल। अब आप देख सकते हो कितना क्लीन लग रहा है मेरा फेस, बिल्कुल ही फ्रेश फील हो रहा है मुझे। उसके बाद सबसे लास्ट में आप अपने फेस को किसी भी अच्छे मॉइस्चराइजर की हेल्प से, जो भी आप डेली यूज़ करते हो उसकी हेल्प से आप अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लो। मैं यहाँ पर बेबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मैं डेली भी इसको ही यूज़ करती हूँ। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।